नमस्कार साथियों, एक बार फिर से जीनियस मिलिट्री एकेडमी हांसी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ मंजीत यादव, मैं आपको रीजनिंग का एक नया टॉपिक डाइस या जिसको हिंदी में पासा बोलते हैं, आज वो पढ़ाऊंगा। पिछली दो क्लास में एक तो कैलेंडर टॉपिक हो चुका और एक रैंकिंग टॉपिक हो चुका। ये दो टॉपिक बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट हुए हैं। हमने इन दोनों टॉपिक की में भी 5 क्लास यूट्यूब पे अपलोड कर दी हैं। तो जो स्टूडेंट AOC भर्ती के लिए, जिनका फिजिकल हो चुका है, वो ये क्लास देख सकते हैं, या जिस बच्चे को कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है, किसी भी रिटन एग्जाम की तैयारी करनी है, वो रीजनिंग क्लास के लिए मोस्ट वेलकम। तो आज नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, टॉपिक का नाम है डाइस पासा। उम्मीद आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। सबसे पहले तो आपको डाइस या पासा के बारे में पता होना चाहिए। देखो, अगर हम डाइस या पासा बनाते हैं तो एक पासे की सबसे पहले शेप के बारे में पता होना चाहिए कि पासा होता कैसे है। वास्तव में पासा एक बॉक्स या एक क्यूब टाइप का होता है। वास्तव में पासा एक बॉक्स या एक क्यूब टाइप का होता है। इसको हम क्यूब भी बोल सकते हैं, घन भी बोल सकते हैं, ठीक है। याद रखना बच्चों, इसमें मेन तीन टाइप से या मेन इसके तीन टाइप होते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है फेस। फेस का मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको फलक। फलक का मतलब ये है, जिन साइडों पे नंबर लिखे होते हैं उनको फलक बोलते हैं। एक पासे में कितनी साइडों पे नंबर लिखे होते हैं? आप सभी को ये बात पता है कि एक पासे में 6 नंबर होते हैं, 1 से लेके 6 तक। तो जिन साइडों पे नंबर लिखे होते हैं उसको बोलते हैं हम फलक। तो एक पासे में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। कौन कौन सी साइड होती है? एक मेरी साइड, एक इसके अपोजिट, एक ऊपर, एक नीचे, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, ठीक है। उसके बाद में होता है एजेज, किनारे। किनारों की संख्या कितनी होती है? किनारों की संख्या होती है बच्चों 8। किनारे कितने होते हैं? 8। 8 कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 1 12। तो टोटल किनारों की संख्या, सॉरी, टोटल किनारों की संख्या 12 होती है। याद रखना, टोटल किनारों की संख्या कितनी होती है? 12। इसके बाद में वर्टेक्स की संख्या। वर्टेक्स का मीनिंग होता है शीर्ष की संख्या। और शीर्ष कितने होते हैं? शीर्ष होते हैं 8। शीर्ष का मतलब होता है बिल्कुल लास्ट एंड पॉइंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो शीर्षों की संख्या कितनी हुई? 8। याद रखना, एक पासे में मेन 3 पॉइंट होते हैं। अगर हम पासे को ट्रांसपेरेंट बनाएं तो ट्रांसपेरेंट के अकॉर्डिंग एक पासे के 3 अलग अलग साइड होती हैं। एक होती है फेस या फलक। फलक कितने होते हैं? 6। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है एजेस, किनारे। किनारे होते हैं 12। इसके बाद वर्टेक्स या शीर्ष, बिल्कुल एंड पॉइंट। तो शीर्ष कितने होते हैं? 8। बट एक बात याद रखना स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी पासे को देखेंगे तो एक बार में पासे की 6 साइड का भी नहीं देखेंगे। हम जब भी एक पासा देखेंगे तो मैक्सिमम 3 ही नंबर देख सकते हैं। मैक्सिमम एक पासे के 3 ही नंबर देख सकते हैं, 3 नंबर छुपे हुए होंगे, ठीक है। तो जो नंबर देख सकते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं अब। जैसे मैंने एक पासा बनाया तो इस पासे में आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, जैसे एग्जांपल 1, 2, 3। तो एक पासे में मैक्सिमम 3 ही नंबर दिखाई दे सकते हैं, 3 नंबर इनके अपोजिट छुपे हुए होते हैं। और अगर सभी के सभी नंबर देखने हैं तो कम से कम हमें 2 पासों की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने दूसरा पासा बनाया 4, 5, 6। तो 3 नंबर एक पासे में दिखाई दे रहे हैं और जो बाकी बचे नंबर है वो 3 दूसरे पासे में दिखाई दे रहे हैं। तो 6 के 6 नंबर देखने, तो कम से कम एटलीस्ट 2 पासे तो आपके पास होने चाहिए। अब जो बेसिकली पासा है वो कितने टाइप का होता है, ये सभी को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट डालो कि पासा कितने टाइप का होता है। याद रखना, पासा जो है वो 2 टाइप का होता है बेसिकली। फर्स्ट इज मानक पासा, सेकंड होता है साधारण पासा। मानक पासा और साधारण पासा। मानक पासा को बोलते हैं इंग्लिश में स्टैंडर्ड डाइस, और साधारण पासों को बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस।
पासा जो है वो दो टाइप का होता है, एक मानक पासा एक साधारण पासा। मानक पासा को स्टैंडर्डाइज बोलते हैं और साधारण पासे को नॉन स्टैंडर्ड बोलते हैं। अब सबसे पहले मानक पासे के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो मानक पासा वैसे होता क्या है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने एक पासा बनाया जिसमें आपको कोई भी तीन नंबर गिवन है और तीन नंबर है 1 2 3। तो याद रखना इस पासे की पहचान कैसे करेंगे, हमें कैसे आइडेंटिफाई होगा कि यह पासा मानक पासा है या साधारण पासा है, हमें कैसे पता चलेगा, ये बात याद रखना। तो हम क्या करेंगे, मानक पासे की एक प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है, वो गुण लिखो। इसका गुण क्या होता है, पड़ोसी नंबर्स का जोड़ कभी भी सेवन नहीं होगा, कभी भी सेवन नहीं होगा। मतलब आप पड़ोसी नंबरों का जोड़ करके देखिए, अगर किसी भी पड़ोसी नंबर का जोड़ सेवन नहीं मिलता तो वो पासा कौन सा होगा, वो स्टैंडर्डाइज होगा। आप जोड़ करके देखिए, अब पड़ोसी नंबर ये एक तीन का पड़ोसी है तो इनका जोड़ हुआ चार, तीन दो का पड़ोसी है इनका जोड़ हुआ पांच, दो एक का पड़ोसी है इनका जोड़ हुआ तीन। तो तीनों पड़ोसियों नंबरों का जोड़ किया और तीनों पड़ोसी नंबर का जोड़ किया तो जोड़ एक का जोड़ आया तीन, एक का चार और एक का पांच। तो किसी भी पड़ोसी का जोड़ सात नहीं है, सेवन नहीं होना चाहिए, सेवन नहीं है तो इसका मतलब कौन सा पासा है, स्टैंडर्डाइज है। डियर स्टूडेंट्स, कौन सा पासा है, स्टैंडर्डाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए या नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा और इसमें मैंने लिखा 4 5 6। अब आप इनका जोड़ करके देखिए, जैसे 4 और 5 9 5 और 6 11 6 और 4 10। तो किसी का भी जोड़ सेवन नहीं होना चाहिए, सेवन से ग्रेटर देन भी हो सकता है, सेवन से लेस देन भी हो सकता है, बट कभी भी सेवन नहीं होना चाहिए। जब भी कभी जोड़ सेवन होगा तो इसका मीनिंग वो साधारण पासा होगा, और सेवन नहीं होगा तो इसका मीनिंग वो स्टैंडर्डाइज मानक पासा है। तो ये दोनों क्या है, स्टैंडर्डाइज या मानक पासे हैं। अब जब भी ये प्रूफ हो जाए कि ये पासा कौन सा है, स्टैंडर्डाइज या मानक पासा है, तो मानक पासे में की एक बात याद रखना कि विपरीत नंबरों का जोड़ हमेशा सात होगा, विपरीत नंबर्स का जोड़ हमेशा सात होगा, हमेशा सेवन होगा, विपरीत नंबर का जोड़ हमेशा सेवन होगा। इसका मीनिंग ये है, अगर वो आपसे पेपर में पूछे, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक के सामने कौन है, तो एक के सामने छह होगा, क्योंकि एक और छह का जोड़ कितना है सात। दो के सामने कौन सा नंबर है, तो दो के सामने कौन सा नंबर होगा पांच, क्योंकि दो के साथ पांच का जोड़ सात है। और तीन के सामने कौन होगा चार, क्योंकि तीन के साथ चार का जोड़ सात है। तो एक का अपोजिट छह होता है, दो का अपोजिट पांच होता है और तीन का अपोजिट चार होता है। ये बात आप याद रख लीजिए। मानक पासे में ये तीनों नंबर्स एक दूसरे के अपोजिट नंबर्स से काउंट होते हैं और ये अपोजिट फिक्स होता है। याद रखना, एक का अपोजिट छह होता है, दो का अपोजिट पांच होगा और तीन का अपोजिट चार होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, दोबारा से मैं क्लियर कर देता हूं ये बात कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए मानक पासा कौन सा होता है। जब ये मानक पासा आपको क्लियर हो जाएगा तो हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जो सीजीएल सीपीओ या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम का हिस्सा रहे हैं, तो इसलिए आपको सबसे पहले मानक पासे के बारे में पता होना चाहिए। मानक पासा होता है स्टैंडर्डाइज, और स्टैंडर्डाइज का मीनिंग जिस पासे के पड़ोसी नंबर्स का जोड़ कभी भी सात नहीं होगा। अब आपके सामने पेपर में कोई भी एक पासा गिवन होगा, आप बस पड़ोसी नंबरों का जोड़ करके देखिए, अगर किसी का भी सात नहीं है तो कौन सा पासा होगा, स्टैंडर्डाइज होगा। और स्टैंडर्डाइज में फिक्स होता है विपरीत नंबर्स का जोड़ हमेशा क्या होगा सात। इसका मतलब एक के अपोजिट छह होगा, दो के अपोजिट पांच होगा और तीन के अपोजिट चार होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, आप इतना एक बार नोट कर लीजिए फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। जैसे मैं आपके सामने अलग अलग टाइप से तीन या चार पासे बना रहा हूं, फिर चारों से क्वेश्चन करेंगे।
अब जैसे मैंने इसमें नंबर लिखा 2, 3, 6, 1, 3, 6, 2, 4, 6, 3, 5, 7। अब सबसे पहले हम फर्स्ट की बात करते हैं 2, 3, 6। अब आपके सामने ये पेपर में क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि ये कौन सा पास है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पड़ोसी नंबर्स का जोड़ करके देखेंगे। 2, 3, 5, 3 और 6, 9, 6 और 2, 8। किसी भी पड़ोसी नंबर का जोड़ 7 नहीं है। इसका मीनिंग कौन सा पासा है ये? इसका मीनिंग ये है स्टैंडर्डाइज या मानक पासा। और जब भी मानक पासा होता है तो इसमें अपोजिट से ही क्वेश्चन आता है। वो आपसे पूछेगा 2 के सामने कौन सा नंबर है, तो 2 के सामने है 5। वो पूछेगा 3 के सामने कौन सा नंबर है, तो 3 के सामने है 4। और वो पूछेगा 6 के सामने कौन है, तो 6 के सामने है, 6 के सामने कौन है, 6 के सामने कौन है, 1। याद रखना ये अपोजिट फिक्स होते हैं। याद रखना 2 के सामने हमेशा 5 होता है, 3 के सामने हमेशा 4 होता है, और 1 के सामने हमेशा 6 या 6 के सामने हमेशा 1 होता है। इस पासे को बोला जाता है स्टैंडर्डाइज या मानक पासा। नेक्स्ट भी स्टैंडर्डाइज है। नेक्स्ट स्टैंडर्डाइज है या नहीं आप चेक करो। नेक्स्ट स्टैंडर्डाइज नहीं है क्योंकि 6 और 1 जोड़ 7 मिल गया, तो ये स्टैंडर्डाइज नहीं है, ये नॉन स्टैंडर्ड है। इसका मतलब ये कौन सा पासा है, साधारण पासा। और साधारण पासा याद रखना, जिस पासे के पड़ोसी नंबर्स का जोड़ 7 होगा वो साधारण पासा, जिस पासे के पड़ोसी नंबर का जोड़ 7 नहीं होगा वो मानक पासा होगा। इसके बाद आप यहां ध्यान दीजिए, 4 और 2, 6, 6 और 4, 10, 6 और 2, 8। किसी का भी जोड़ क्या है, 7 है, किसी का भी जोड़ 7 नहीं है। इसका मतलब ये भी कौन सा पासा है, स्टैंडर्डाइज या फिर मैं बोल सकता हूं मानक पासा। इसके बाद 5 और 7, 12, 7 तो कोई नंबर होता ही नहीं है यहाँ, या तो 6 मानना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। 5 और 6, 11, 6 और 3, 9, 5 और 3, 8। तो इनका भी जोड़ 7 नहीं है। इसका मतलब ये भी कौन सा पासा है, मानक पासा, ठीक है। तो जिसमें किसी भी पड़ोसी नंबर का जोड़ 7 नहीं होगा वो मानक पासे होंगे, जिसमें पड़ोसी नंबर का जोड़ 7 मिल गया वो साधारण पासा होगा, ठीक है। मानक पासे में अपोजिट फिक्स होंगे, 1 का अपोजिट 6 होगा, 2 का अपोजिट 5 होगा और 3 का अपोजिट 7 होगा। बट स्टैंडर्डाइज में हम बिल्कुल भी फिक्स किसी का भी अपोजिट या किसी का भी फिक्स नहीं बता सकते। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया जिसमें मैंने लिखा 3, 4, 5 या 2, 3, 4 लिख लो। अब याद रखना जो साधारण पासा होगा उसकी क्या कैटेगरी है या क्या क्वालिटी है, साधारण पासा लिखो। जिस पासे के पड़ोसी नंबर्स का जोड़ 7 होगा या किसी किन्हीं दो पड़ोसियों का भी कि नहीं पड़ोसियों का जोड़ 7 होगा, इसका मीनिंग ये है किसी भी दो पड़ोसियों का जोड़ 7 होता है तो वो पासा कौन सा है, वो पासा होगा साधारण पासा। जैसे मैंने लिखा 3 और 4, 7, जोड़ 7 मिल गया, इसका मीनिंग ये कौन सा पासा है, साधारण पासा है। और एक बात याद रखना डियर स्टूडेंट्स, साधारण पासे में हम किसी का भी अपोजिट नहीं बता सकते। अब वो एग्जाम में पूछेगा 2 का अपोजिट, तो 2 का अपोजिट कौन सा नंबर होगा, देखो जो पड़ोसी होगा जो नेबर होगा वो कभी भी अपोजिट नहीं होगा, जो पड़ोसी होगा वो कभी अपोजिट नहीं होगा। इसका मतलब 3 तो कभी अपोजिट नहीं हो सकता, 4 भी कभी अपोजिट नहीं हो सकता, तो 2 का अपोजिट कौन बचा है, 5 और 6। तो ये पॉसिबिलिटी में आंसर दोगे कि 2 का अपोजिट कौन हो सकता है, या तो 5 हो सकता है या 6 हो सकता है, बट हमें नहीं पता कौन सा होगा। ऐसे ही सेम प्रॉपर्टी 3 के लिए अप्लाई होगी बच्चों, 3 का अपोजिट कौन सा हो सकता है, देखो 3 का अपोजिट ना तो 2 हो सकता ना 4 हो सकता, तो 3 का अपोजिट कौन बचा, 5 और 6। और ऐसे ही 4 का अपोजिट भी पूछ सकता है आपसे, तो 4 का अपोजिट के भी यही पॉसिबिलिटी बनेंगी, 5 और 6। तो ये बात याद रखना, जब भी साधारण पासा होगा तो उसमें हम अपोजिट नहीं बता सकते, बट जब मानक पासा होगा तो हम अपोजिट बता सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा है, और चैनल को साथ साथ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके लिए बेहतरीन चैनल साबित होने वाला है और आपकी पढ़ाई को ही कामयाब करेगा। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, भाई हैं, बहन हैं, उनको भी आप ये चैनल शेयर कर सकते हैं और अच्छे से अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है।
अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो मैंने एक पीपीटी तैयार की है। अब सबसे पहले देखो, ये आपके सामने एक पासा है, ठीक है। अब ये पासा है, इसमें आपको कोई भी तीन नंबर दिखाई दे रहे हैं। सबसे ऊपर जो नंबर है वो 5 है, नीचे दो नंबर है, एक 1 और एक 3, ठीक है। ऊपर कौन सा नंबर है? 5, नीचे एक 3 और एक 1। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये कौन सा पासा है, तो आप ये बताएंगे कि इनका जोड़ करेंगे। आप बोलोगे सर हम तो इनका जोड़ करके बता सकते हैं, तो आप इनका सम कीजिए। जब भी आप इनका सम करते हैं तो देखो 5 और 6, 5 और 1 जोड़ कितना हुआ? 6, 1 और 3 इनका जोड़ हुआ 4 और 3 और 5 इनका जोड़ हुआ 8। किसी का भी जोड़ 7 है? नहीं है। इसका मतलब अगर किसी भी पासे का जोड़ 7 नहीं है तो वो कौन सा पासा है? वो पासा स्टैंडर्ड डाइस है, या फिर मैं हिंदी में बोल सकता हूँ वो पासा कौन सा है? मानक पासा है। और जब भी मानक पासा होगा याद रखना, तो उसमें 5 का अपोजिट कौन होगा? 2 होगा, 1 का अपोजिट 6 होगा, 3 का अपोजिट 4 होगा। ये तीनों फिक्स होते हैं बच्चों, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ये बात आप याद रखना, ये तीनों फिक्स होते हैं, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। अब देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पासे की केवल एक स्थिति दिखाई गई है, दिए गए पासे का उत्तर दीजिए। सतह 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी? मतलब 3 के सामने कौन सा नंबर होगा? सबसे पहले आप चेक कीजिए कौन सा पासा है। अगर हम इसको चेक करते हैं तो देखिए 2 और 1 3, 1 और 3 4, 2 और 3 5। हम पड़ोसी नंबरों का जोड़ करके देखते हैं। अब किसी भी पड़ोसी नंबर का जोड़ 7 नहीं है तो इसका मतलब कौन सा पासा है? अगर किसी भी पड़ोसी नंबर का जोड़ 7 नहीं है तो वो पासा है मानक पासा। और याद रखना मानक पासे में क्या होगा? अपोजिट नंबर का सम ऑलवेज 7 होगा, ठीक है। तो अपोजिट नंबर का मतलब वो पूछे आपसे 1, तो 1 के सामने होगा 6 क्योंकि अपोजिट नंबर का जोड़ 7 होना चाहिए। वो पूछेगा 4, 4 के सामने होगा 3 क्योंकि अपोजिट नंबर का जोड़ 7 होना चाहिए। और वो पूछेगा आपसे 2 का अपोजिट, तो 2 का अपोजिट बता देना 5 क्योंकि अपोजिट नंबर का जोड़ हमेशा 7 होगा। तो 1 का अपोजिट 6 होगा, 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा, 2 का अपोजिट 5 होगा। बस ये आपने एक कंडीशन याद रखनी है कि जब भी स्टैंडर्डाइज होगा तो ये चीजें फिक्स होंगी। और स्टैंडर्डाइज के चेक करने का तरीका आप सभी को पता है कि अगर हम पड़ोसी नंबर को जोड़ करके देखें, अगर किसी भी पड़ोसी नंबर का जोड़ 7 नहीं मिलता तो समझ लेना कौन सा पासा है, वो पासा स्टैंडर्डाइज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, सतह 5 के विपरीत कौन सी सतह होगी? इसका मतलब 5 के विपरीत नंबर कौन सा होगा ये बताना है। तो सबसे पहले आप चेक कीजिए और चेक करने के बाद आप आंसर दीजिए। सबसे पहले चेक कीजिए और चेक करने के बाद आप आंसर दीजिए। सबसे पहले आप चेक कीजिए, फिर चेक करने के बाद आप आंसर दीजिए। अब 5 के विपरीत बताना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपका कर्म और फर्ज ये है कि आप पड़ोसी नंबरों का जोड़ करके देखें। 5 और 4 9, 4 और 6 10, 6 और 5 11। किसी भी पड़ोसी नंबर का जोड़ क्या 7 है? नहीं है ना। तो ये पासा कौन सा हुआ? ये पासा हुआ मानक पासा। और याद रखना मानक पासे में एक चीज फिक्स होती है कि 3 का अपोजिट 4 होता है, 2 का अपोजिट 5 होता है और 1 का अपोजिट 6 होता है। उसने पूछा 5 के विपरीत नंबर बताओ। अब 5 के विपरीत कौन होगा? तो 5 के विपरीत होगा 2। इसका मतलब सी ऑप्शन राइट होगा, ये बात याद रखना, ठीक है। उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी AOC के फिजिकल दिया है और अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहतरीन क्लास है। और जो भी क्लास में करवाया जाएगा उससे बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन आएगा, तो आप बिल्कुल बेसिक से एडवांस सीख सकते हैं अगर आप हमारे से जुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 5 के विपरीत नंबर बताओ। बट 5 के विपरीत बताने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा? पड़ोसी नंबर का जोड़ करना पड़ेगा। और पड़ोसी नंबर का जोड़ कितना हुआ? 7। जब भी किन्हीं भी दो पड़ोसियों का जोड़ 7 होता है, तो मैंने ये बताया था आपको कि आप अपोजिट काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी
जोड़ सात होगा तो वो पासा कौन सा हो जाएगा, वो साधारण पासा हो जाएगा। और जब भी साधारण पासा होगा तो याद रखना, जब भी साधारण पासा होगा तो याद रखना आप एक बात कि जो पांच, इसने पूछा किसका पॉजिटिव है, पांच का विपरीत, तो पांच के विपरीत वो जो पड़ोसी है वो कभी पांच के विपरीत नहीं हो सकते, पासा चाहे कोई भी हो। एक बात याद रखना, जो भी पड़ोसी हैं वो कभी भी अपोजिट नहीं होंगे, कभी भी विपरीत नहीं होंगे। तो पांच का विपरीत ना तो दो हो सकता ना छह, तो पांच का विपरीत दो नहीं हो सकता, पांच का विपरीत छह भी नहीं हो सकता, पांच का विपरीत छह और दो नहीं हो सकते, तो पांच के विपरीत कौन बचे, एक तीन और चार। इसका मतलब पांच का विपरीत या तो एक होगा या तीन होगा या चार होगा, इनमें से कोई एक होगा। तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, आप बी ऑप्शन को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ये बात आप याद रखना। इसके बाद यदि संख्या छह के निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या होगी, इसका मतलब अगर छह नीचे हैं तो ऊपर कौन सी संख्या होगी, मतलब छह का अपोजिट बताओ। अब ये कोई भी दो पासे दिए हैं, ठीक है, एक बात याद रखना, जब भी कोई भी दो पासे दिए होंगे तो आपको कौन सा रूल लगाना है, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। जब भी दो पासे दिए जाते हैं तो आपको कौन सा रूल लगाना है, ये सबसे पहले याद होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि आप ये देखिए कि कौन सा नंबर कॉमन है, कौन सा नंबर कॉमन है दोनों में, दोनों में एक कॉमन है, दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है, एक कॉमन है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले एक को लिखिए, जो भी कॉमन नंबर है उसको लिखिए, उससे नेक्स्ट कौन सा नंबर है, पांच, और उससे नेक्स्ट छह है, तो एक एक से नेक्स्ट पांच है और पांच से नेक्स्ट छह है, तो एक पांच छह लिख सकते हो। इसके बाद एक के बाद कौन है, तीन, आपने क्या करना, जो कॉमन नंबर उसके नीचे वही नंबर लिखना, उससे नेक्स्ट एक से नेक्स्ट तीन और तीन से नेक्स्ट दो, तो एक एक से नेक्स्ट तीन और तीन से नेक्स्ट दो, ये लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना, एक के जो भी, देखो छह का अपोजिट दो हुआ, ये आपने कपल बना लेने हैं, ठीक है, आप क्या करो जोड़े बनाओ, छह का अपोजिट दो हो जाएगा, पांच का अपोजिट तीन हो जाएगा, एक का अपोजिट वो बचेगा जो इन दोनों में नहीं है, छह का अपोजिट दो है, पांच का अपोजिट तीन है, कौन बच गया, चार, तो एक अपोजिट कौन हो जाएगा, चार, तो एक अपोजिट चार होगा। इसका मतलब छह अगर निचले फलक पर है तो उसके ऊपरी फलक पे दो होगा बेटा, क्योंकि छह का अपोजिट दो होगा, पांच का अपोजिट तीन, एक का अपोजिट चार, तो छह का अपोजिट पूछा है, तो सी ऑप्शन राइट होगा। ये एसएससी सीजीएल 2019 का एग्जाम है, सीजीएल में आपकी इनकम टैक्स की जॉब लग सकती है, एक्साइज इंस्पेक्टर की लग सकती है, ऑडिटर की लग सकती है, एग्जामिनर की लग सकती है, बहुत सारी पोस्टें हैं, तो आप उसके लिए भी तैयार हो रहे हो। साथ में एक बात याद रखना, जब आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ये एक नौकरी के लिए तैयारी नहीं हो रही आपकी, आपका बेस सभी नौकरियों के लिए तैयार हो रहा है। अगर आपकी एक टाइम ऐसी तैयारी हुई कि एक एग्जाम निकल गया तो मोस्टली सभी एग्जाम उस रेंज के अंदर आने वाले सभी एग्जाम आपके क्लियर होंगे। तो एक बार आप अच्छी तैयारी कीजिए, अच्छे से समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आया है, बाकी आप भी आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन आते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, संख्या तीन वाले फलक के सामने कौन सी संख्या है, तीन के सामने कौन सी संख्या है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आप ये देखिए कि कौन सा नंबर कॉमन है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये दिखाई दे रहा है कि छह इसमें भी है और छह इसमें भी है, तो दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है, सिक्स कॉमन है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सिक्स लिखिए, सिक्स से नेक्स्ट कौन सा है, एक, एक से नेक्स्ट कौन सा है, पांच, तो सिक्स से नेक्स्ट एक, एक से नेक्स्ट पांच है। उसके बाद छह के नीचे छह ही लिखिए, छह से अगला कौन है, चार, चार से अगला दो, छह से अगला चार, चार से अगला दो। इसमें डियर स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखना कि अगर आप इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हो तो आपने इसमें भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, एंटी एक में क्लॉकवाइज दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज चलने से काम नहीं चलेगा, ये बात याद रखना। अगर आप एक में क्लॉकवाइज एक में घड़ी की सुइयों की दिशा में चल रहे हो, दूसरे में सुइयों के विपरीत चल रहे हो, तो इसका मतलब आप गलत चल रहे हो और आपका आंसर भी कभी ठीक नहीं होने वाला इसमें। अब इसमें आप कपल बनाओ, कपल का मीनिंग ये है, पांच का अपोजिट दो हो जाएगा, एक का अपोजिट चार हो जाएगा, छह का अपोजिट कौन बचा, तीन। अब इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा है वो देखो, तीन के सामने कौन सा नंबर है, तीन के सामने छह है, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, तीन के सामने कौन सा नंबर, सिक्स नंबर है।
ये बात आप याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, 2, 4, 6, 2, 3, 5। यदि किसी संख्या 4 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या होगी? इसका मतलब ये है अगर नीचे किसी भी पासे में नीचे 4 है तो ऊपर कौन सा नंबर होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए इसमें कौन सा रूल लगाएं। बट रूल लगाने के लिए आपको ये देखना है कि सबसे पहले नंबर कौन सा कॉमन है। 2 इसमें भी कॉमन, 2 इसमें भी कॉमन। तो 2 से नेक्स्ट 6 है, 6 से नेक्स्ट 4 है। तो 2 से नेक्स्ट 6, 6 से नेक्स्ट 4। अब इसमें भी 2 से नेक्स्ट 5, 5 से नेक्स्ट 3। बट 2 के नीचे 2 ही लिखना है, 2 से नेक्स्ट 5 और 5 से नेक्स्ट 3। अब आपने इसमें क्या करना, कपल बनाए। आप कपल बनाए, 4 का अपोजिट 3 रहेगा, 6 का अपोजिट 5 हो जाएगा, और 2 का अपोजिट कौन होगा, 1। याद रखना 2 का अपोजिट कौन सा नंबर, 1। अब इसने आपसे क्या पूछा, 4 अगर निचले फलक पर है, मतलब अगर नीचे वाले फेस पे 4 है तो 4 के अपोजिट कौन होगा, 4 के अपोजिट होगा 3। इसका मीनिंग ए ऑप्शन आपका राइट होगा बच्चों, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। क्योंकि इसमें क्या लिखा है कि 4 निचले फलक पर, अगर 4 निचले फलक पर है तो 4 के अपोजिट कौन होगा, 3। याद रखना आप। इसके बाद 7th क्वेश्चन है, 6, 3, 4, 1, 6, 4। यदि संख्या 3 सबसे ऊपर होगी, अगर 3 सबसे ऊपर है तो सबसे नीचे वाले फलक पे कौन सा नंबर है? एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए जरा और आंसर दीजिए। इसमें सेकंड रूल लगेगा, ये रूल अभी मैंने बताया नहीं। अब ये सेकंड रूल है, सेकंड रूल समझो आप क्या है। जब भी कोई दो नंबर कॉमन होते हैं, जैसे देखो इसमें 6 भी है और इसमें 4 भी है, इसमें 6 भी है, इसमें 4 भी है, तो जब भी कोई दो नंबर कॉमन होते हैं तो आप उनको अलग से निकाल लीजिए। अभी ये बात याद रखना, जो बचे हुए नंबर है वो एक दूसरे के अपोजिट नंबर होते हैं। बचे हुए कौन कौन है? 3 बचा हुआ है, 3 अपोजिट किसका हो जाएगा, 1 का, या फिर 1 अपोजिट हो जाएगा, 3 का। तो 1 और 3 ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो जब भी कोई भी दो नंबर कॉमन होते हैं तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि किसी किन्हीं भी दो नंबरों के अपोजिट कौन कौन से नंबर होंगे। तो 3 का अपोजिट कौन हो जाएगा, 1, और 1 का अपोजिट कौन सा नंबर होगा, 3। ये बात आप याद रखना। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है 3 सबसे ऊपर होगी, अगर 3 सबसे ऊपर है तो नीचे कौन सा होगा? तो नीचे होगा 3 का अपोजिट कौन है, 1। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा है और अच्छे तरीके से क्लास को देख रहे हो। अब ये अलग ही क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को पढ़े जरा। क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे एक पासे एक्स की 2 स्थितियां दी गई हैं। पासे पर 1 से लेकर 6 नंबर तक अंकित है, विकल्पों में दिए गए 4 पासों में से कौन सा एक पासा ऐसा है जो 3री स्थिति दिखाएगा? ठीक है, इसका मीनिंग ये डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये 2 पासे दिए गए हैं और ये पूछना चाहता आपसे कि तीसरी, इसकी जो 3री आकृति है वो कैसे दिखाई देगा, 3रा पासा कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी एक नंबर कॉमन है सबसे पहले वो लिखो, दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है? 5। तो सबसे पहले 5 लिखें, फिर 5 से नेक्स्ट नंबर पे चले, 5 से नेक्स्ट 1 है, 1 लिखें, फिर 1 से नेक्स्ट कौन है, 3, फिर 3 लिखें। इसके बाद 5 है तो 5 लिखें, 5 से नेक्स्ट कौन है अगले में 4 और 4 से नेक्स्ट 2, तो 5, 4 और 2 लिखें। अब आप यहां से कपल बना लीजिए, 3 का अपोजिट 2 हो जाएगा, 1 का अपोजिट 4 हो जाएगा, 5 का अपोजिट 6 होगा।
ठीक है। और अब इस बात को ध्यान दीजिए कि अगर पांच का अपोजिट छह है तो इसका मतलब पांच और छह एक पासे में एक साथ नहीं आएंगे कभी भी, और जिस पासे में पांच और छह एक साथ मिल गए तो पासा गलत है। आप देखो पांच और छह एक साथ हैं, इसका मतलब ये पासा बिल्कुल गलत है। एक और चार एक दूसरे के अपोजिट थे, एक और चार जो अपोजिट होंगे वो कभी एक साथ नहीं आएंगे, तो ये भी गलत है। तीन दो देखो, तीन और दो एक दूसरे के अपोजिट हैं बट तीन और दो एक साथ आए हुए हैं, इसका मतलब ये भी गलत है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि डी ऑप्शन में सभी फैमिली से अलग अलग हैं या कोई भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसी सेम टाइप के और भी क्वेश्चन हैं, आप आगे कीजिए। अब ये क्वेश्चन कीजिए, दो मिनट का टाइम है, उम्मीद आप सभी कर सकते हैं इसको, दो मिनट का टाइम है इसके लिए, उम्मीद आप सभी इसको कर सकते हैं। मैं वेट कर रहा हूं, देख रहा हूं कितने बच्चों का क्वेश्चन हो रहा है, आप कमेंट करते रहें, मैं देख रहा हूं कितने बच्चों का क्वेश्चन हो रहा है। उम्मीद है जो बच्चे अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं, पेन कॉपी लेके बैठे हैं, उन सभी का क्वेश्चन हो जाएगा, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उनको किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और उनका सभी का उम्मीद है अच्छे तरीके से हो रहा है क्वेश्चन। आप देखिए जरा, सबसे पहले आप ये देखिए कि कौन सा नंबर को मैंने, पांच इसमें भी है, पांच इसमें भी, तो पांच से नेक्स्ट चलोगे, पांच पांच से नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा, दो, और दो से नेक्स्ट चार, सेम उसमें पांच के नीचे पांच लिखो, फिर पांच से नेक्स्ट छह और छह से नेक्स्ट तीन, तो पांच से नेक्स्ट छह और छह से नेक्स्ट है तीन। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, कपल बनाइए बेटे इनके, चार का अपोजिट तीन होगा, दो का अपोजिट छह हो जाएगा और पांच का अपोजिट, पांच का अपोजिट क्या होगा, एक। ठीक है, चार का अपोजिट कौन सा नंबर होगा, तीन, दो का अपोजिट छह और पांच का अपोजिट एक। अब इसने आपको क्या क्वेश्चन पूछा है, कि नीचे एक पास से एक्स की दो स्थितियां दी गई है, ये पास से एक्स की दो स्थितियां हैं, विकल्पों में से चार पास से, पासों में से चार पास से आपके सामने में कौन सा एक पासा दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए, चार का अपोजिट तीन है, तो चार और तीन एक दूसरे के अपोजिट, तो इसका मतलब चार और तीन एक साथ नहीं आ सकते, तो ये पासा गलत होगा। अब दो का अपोजिट छह है, दो का अपोजिट छह, इसका मतलब दो और छह एक साथ नहीं आ सकते, ये भी गलत है। पांच का अपोजिट एक है, पांच का अपोजिट एक है, इसका मतलब पांच और एक एक साथ नहीं आ सकते, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि सी ऑप्शन ऐसा है जिसमें अपोजिट नंबर एक साथ नहीं है। सी ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन ऐसा है जिसमें अपोजिट नंबर एक साथ नहीं है, इसलिए वो ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। अब ये एक पासा है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, उम्मीद है कोई अच्छा स्टूडेंट इसको कर पाएगा, या जो स्टूडेंट अच्छे तरीके से क्लास को देख रहा है केवल वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा, और सभी अपना आंसर कमेंट में बताते रहें साथ साथ में, मैं सभी के कमेंट्स देख रहा हूं। हाँ, सभी बच्चे अच्छे तरीके से कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छे बेटा, गुड गुड, बहुत अच्छे। एक बार दो मिनट का टाइम है, आप इस क्वेश्चन को कीजिए। हाँ, आप इस क्वेश्चन को कीजिए।
आप इस क्वेश्चन को कीजिए गुड। चलो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी, क्या बात है। इसमें आप ये देखिए, दो तीन का अपोजिट है, दो तीन का अपोजिट नहीं, दो तीन का पड़ोसी है, दो तीन इसमें भी है, दो तीन इसमें भी है। इसका मतलब अब दो नंबर एक दूसरे के दो नंबर कॉमन है, तो हम यहां से ये आइडिया लगा सकते हैं कि एक का अपोजिट कौन सा नंबर होगा, चार। एक का अपोजिट चार होगा, इसका मतलब एक और चार एक साथ नहीं आएंगे, तो एक चार एक साथ नहीं आएंगे, इसका मतलब ए तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो नंबर एक दूसरे के अपोजिट नंबर हैं वो कभी एक साथ नहीं आएंगे, इस बात का ख्याल रखना। उसके बाद आप ये देखो जरा, टू थ्री इसमें भी, टू थ्री इसमें भी, एक अपोजिट चार है, इसका मतलब या तो दो का अपोजिट पांच होगा या फिर छह होगा, या फिर तीन का अपोजिट पांच होगा या छह होगा, है ना। यही पॉसिबिलिटी बनेगी, दो का अपोजिट पांच छह में से और तीन का अपोजिट भी पांच छह में से, क्योंकि एक का अपोजिट ऑलरेडी चार है। तो यहां से एक बात सत्य ये भी है, अगर मानो दो का अपोजिट पांच है तो तीन का अपोजिट कौन बचा, छह। या तो तीन का अपोजिट छह ये बात सच है, या दो का अपोजिट पांच है ये बात सच है, एक बात तो जरूर सच है ना। तो अब देखिए, दो का अपोजिट पांच है तो ये एक साथ नहीं आ सकते, तीन का अपोजिट छह है ये भी एक साथ नहीं आ सकते, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ये याद रखना, बी ऑप्शन राइट होगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को इसी तरीके से बना सकते हैं अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखते हैं तो। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया है, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे एक पासे की तीन स्थितियां दी गई हैं, दिए गए पासे का उत्तर दीजिए। इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स ये है कि एक पासे की तीन स्थितियां दी गई हैं। अब की बार पहले जो है स्टार्टिंग में हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें एक पासा था, उससे नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन किए उसमें दो पासे हैं, और अब ये है जो क्वेश्चन इसमें तीन पासे हैं। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को कीजिए, आप एक बार इस क्वेश्चन को कीजिए जरा, और इसका आंसर बताइए जरा। हाँ कीजिए, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं किस बच्चे ने क्या आंसर दिया है। लो मैं साइड हो जाता हूं थोड़ा सा, आप इसका आंसर दीजिए। और उम्मीद है पूरे भारत से बच्चे जुड़े हुए हैं, यूपी से बच्चे जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड से भी बच्चे जुड़े हुए हैं, राजस्थान के भी बच्चे हैं, हरियाणा से भी हैं, आंध्र प्रदेश से भी हैं, अरुणाचल प्रदेश से भी हैं, अच्छा एक नागालैंड से भी जुड़ा हुआ है, वाव, जम्मू से भी हैं, बहुत अच्छे, पूरे भारत से बच्चे पढ़ रहे हैं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये है कि हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें या कहां से इस क्वेश्चन को शुरू करें। शुरू करने के लिए मैं आपको एक क्लू दे देता हूं कि जिन बाईपासों में एक नंबर कॉमन है वह आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे पांच इसमें भी है, पांच इसमें भी है, तो केवल यहीं से क्वेश्चन हो जाएगा। जो भी पांच कॉमन है उसे नेक्स्ट नंबर पे आप जाइए, पांच से नेक्स्ट कौन है चार, और चार से नेक्स्ट कौन है एक, तो पांच चार एक लिख सकते हो। ऐसे ही पांच से नेक्स्ट कौन है छ, और छह से नेक्स्ट कौन है दो, तो आप ये ऐसे लिख सकते हो। दोनों में आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले हो, इसका मतलब यहां से ये आइडिया लगा सकते हो कि एक का अपोजिट दो हो जाएगा, चार का अपोजिट छह हो जाएगा, और पांच का अपोजिट कौन सा नंबर होगा बच्चों, तीन। पांच का अपोजिट कौन सा नंबर होगा, तीन। क्वेश्चन का आंसर क्या बताना, तीन के विपरीत बताना है, तीन के विपरीत कौन है पांच, तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी, जब दो आपके पास ऐसे पासे हों जिनमें सिर्फ एक नंबर कॉमन हो तो तीसरे पासे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये बात आप याद रखना, तीसरे पासे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये सेम क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को भी आराम से कर सकते हैं कि किस जिस फलक पर संख्या पांच है उसके विपरीत फलक पे कौन सी संख्या है। फलक का मतलब होता है साइड, जिस साइड पे पांच लिखा उसके अपोजिट साइड में कौन सा नंबर लिखा होगा। अब तो आप कर सकते हो ना, इतना कॉन्फिडेंस तो आ गया होगा। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं, आप इसका आंसर दीजिए। चलो सभी के आंसर ठीक हैं। चलो देखो, जिस फलक पर संख्या पांच है उसका अपोजिट बताना। बस सबसे पहले आपने ये सिलेक्ट करना कि कोई भी एक नंबर कॉमन होना चाहिए। अब अगर हम फर्स्ट टू दोनों पास से देख रहे हैं तो इनमें तो टू इसमें भी, टू इसमें भी, फोर इसमें भी, फोर इसमें भी, तो यहां से काम नहीं चलेगा। फिर हम सेकंड और थर्ड को देखते हैं तो टू इसमें है, इसमें नहीं है, वन इसमें, इसमें नहीं है, फोर इसमें, इसमें है। देखो तो यहां से क्वेश्चन हो जाएगा कि फोर इसमें भी, फोर इसमें भी है। हमने केवल वो दो पासे छाटने जिसमें सिर्फ एक एक नंबर कॉमन है, फोर इसमें भी है। तो चार चार से नेक्स्ट कौन सा नंबर है, एक एक से नेक्स्ट दो, तो चार एक दो लिख सकते हो आप। इसके बाद चार के नीचे चार लिखो, चार से नेक्स्ट छ, और छ से नेक्स्ट कौन है, पांच, तो चार से नेक्स्ट छ, छ से नेक्स्ट पांच, ये लिख सकते हो आप। इसके बाद में आप इनके जोड़े भी बना सकते हो, दो का अपोजिट पांच होगा, एक अपोजिट छ होगा, चार का अपोजिट कौन होगा, तीन, याद रखना। अब उसने क्वेश्चन क्या किया कि पांच के विपरीत नंबर बताओ, तो पांच के विपरीत कौन सा नंबर होगा, पांच के विपरीत नंबर होगा दो, तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, बी, कौन सा ऑप्शन राइट होगा, बी, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, टू। अब आज की कक्षा का लास्ट क्वेश्चन है, फिर इससे नेक्स्ट क्लास हम कल करेंगे। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें डॉट हैं 6, 3, 1, तो आप इन डॉट को गिन लीजिए, जो ब्लैक डॉट आपको दिखाई दे रही है आप उनको गिन के भी आंसर बता सकते हैं। उम्मीद है सभी भारत के बच्चे जुड़े हुए हैं और मेरे सभी युवा साथी क्लास को अच्छे तरीके से देख रहे हैं, और मेरे को पूरा पूरा विश्वास है कि क्लास अच्छे तरीके से चल रही है और अच्छे तरीके से बच्चे भी अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। तो ऐसे ही कंटिन्यू क्लास लगाते रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाकी बेस्ट कंटेंट और बेस्ट वीडियो क्लासेस यहां मिलेंगे आपको, ठीक है। देखो जब निचले फलक पर छह है, आप देखो सबसे पहले आप ये देखिए कि कौन सा नंबर कॉमन है, तीन इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें वन है, वन है, तो यहां से वन से कॉमन ले सकते हैं आप। एक इसमें है, एक से नेक्स्ट कौन सा नंबर है, तीन, तीन से नेक्स्ट कौन सा नंबर है, छ। ऐसे ही सेम एक, एक से नेक्स्ट है चार, चार से नेक्स्ट है दो। अब आप इनके कपल बना सकते हो, देखो छह का अपोजिट दो हो जाएगा, तीन का अपोजिट चार हो जाएगा, एक का अपोजिट कौन सा नंबर होगा, पांच, ये बात आप याद रखना। अगर निचले फलक पर छह है, अगर नीचे छह है तो ऊपरी फलक पर दो होगा, याद रखना। तो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, दो, ठीक है। उम्मीद है सभी बच्चों को ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप अच्छे तरीके से क्लास को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखना। आपका एक लाइक और एक शेयर हमारे लिए मोटिवेशन का काम कर रहा है, आपके कमेंट भी हमारे लिए एक मोटिवेशन है। तो आप जितना अच्छे तरीके से लाइक और कमेंट कर रहे हैं उससे हम बिल्कुल खुश हैं और हमारा चैनल अच्छे तरीके से चल रहा है, और उम्मीद है आपको भी, आपकी भी पढ़ाई एक बेहतर लेवल पे और अब अनुभवी टीचरों के साथ में पढ़ रहे हो। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, कल की नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसी टॉपिक को कंटिन्यू। तो देखते रहिए जीनियस मिलिट्री एकेडमी हांसी। थैंक यू सभी को, जय हिंद, जय भारत।